हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपको पता ही है भाई, टाइम टू टाइम हर चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हर कंपनी जो होती है कहीं ना कहीं प्राइस जो है इंक्रीज़ करते रहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होता है वो भी बढ़ता जाता है। इसलिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि बजाज की लगभग सभी बाइक्स में जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा जो प्राइस है वो बढ़ाया गया बजाज की तरफ से। अब कितना प्राइस है और प्राइस कितना ज्यादा बढ़ भी सकता है उसके बारे में भी आज के छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले बजाज पल्सर एनएस के बारे में कि जी एनएस 200 का कितना प्राइस बढ़ाया गया बजाज की तरफ से, पहले क्या एक्सरूम प्राइस आती थी और अब क्या एक्सरूम प्राइस आती थी, उसके बारे में सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि बजाज पल्सर एनएस 200 का जो प्राइस है वो बढ़ाया गया। एक्चुअल में एनएस 200 का प्राइस नहीं बढ़ाया गया, बजाज की सभी बाइक्स का जो प्राइस है वो बढ़ाया गया बजाज की तरफ से। लेकिन एनएस 200 में कितना बढ़ाया गया आपको मैं ये बताना चाहूंगा। पहले तो आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों एनएस के कलर ऑप्शन के बारे में। इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को तीन कलर ऑप्शन जो है अभी फिलहाल देखने को मिल जाता है। एक तो है दोस्तों ग्रे कलर, दूसरा आप लोगों को व्हाइट कलर, साथ में आपको बाइक में स्टैंड इन ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, फिलहाल बजाज की तरफ से आप लोगों को बाइक में थ्री कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट में। बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में दोस्तों, तो पहले ये बाइक एक्स रूम प्राइस आ रही थी लगभग 1,38,500 रुपीज़, 1,38,500 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक पहले एक्स रूम प्राइस देखने को मिल रही थी। लेकिन अब दोस्तों अगर बात करें इस बाइक के एक्स रूम प्राइस के बारे में, तो वो हो गया दोस्तों लगभग 1,40,000, 1,40,000 रुपये के आसपास की अब ये बाइक एक्स रूम प्राइस आएगी। यानी कि देखा जाए तो लगभग बाइक में 1,500 रुपये के आसपास का जो प्राइस है वो बजाज की तरफ से इंक्रीज़ किया गया है। अगर दोस्तों बात करें ऑन रोड प्राइस के डिफरेंस में, कितना ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिला है दोस्तों, हमारे यहाँ ये बाइक पहले 1,62,900 रुपीज़, 1,62,900 रुपये के आसपास की एक्स रूम प्राइस आती थी। लेकिन अब दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस हो गई है लगभग 1,63,900 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है, जो लगभग मेरे हिसाब से 164 अराउंड टच कर ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 1200 से 1500 रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो इंक्रीज किया गया बजाज की तरफ से एनएस 200 में। अब आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों आप लोगों का इसमें क्या कहना है, क्या ये बजाज की तरफ से प्राइस बढ़ाना सही था या गलत था। मेरे हिसाब से दोस्तों जब कंपनी को नीड होती है तब वो बाइक का प्राइस बढ़ाते हैं। अब डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों पे कि आप लोग भाई क्या बोलते हैं इस बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रह सके और आप फिर वीडियो अपडेट रह सकें।